सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। सो फाइनली मेरा सीजीएल का एग्जाम वो खत्म हो चुका है, यानी कि 17 जुलाई को। नाउ नेक्स्ट मंथ बारी है सीएचएसएल की, लेकिन अगले मंथ मेरा सीएचएसएल के साथ साथ सीटेट का भी एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका नेक्स्ट मंथ सीएचएसएल के साथ साथ सीटेट का भी एग्ज़ाम है। नाउ मेरे माइंड में एक सॉलिड सा क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन ये है, इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक सीटेट इन वन मंथ? आई डोंट नो, एंड क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, एंड इसी वजह से कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। देन मेरे मामा ने मुझे बताया कि तुम हिमांशी मैम से अपना सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो बहुत ही औसम है, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। एंड अगर बात करूँ मैं अपने मामा की, तो उन्होंने भी सीटेट क्रैक कर रखा है, एंड फिलहाल वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। सो अपन बात करते हैं सीटेट के बारे में। तो देखो, सीटेट में सबसे पहले एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है, इसके दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। जिन्होंने पेपर वन मतलब वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम फिल किया होगा, तो वो पेपर वन का एग्ज़ाम देंगे। जिन्होंने दोनों कर रखा होगा वो दोनों एग्ज़ाम देंगे। तो भाई मैंने तो दोनों कर रखा है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, ये दोनों में आएगा, मतलब पेपर वन में भी आएगा और पेपर टू में भी आएगा। टोटल पेपर भाई आपको 150 मार्क्स का होता है, हिंदी इंग्लिश और आपको सीडीपी, ये दोनों में आता है 30-30 मार्क्स की, ठीक है। टोटल 90 ये हो गए और 90 ये हो गए। अपन बात करते हैं पेपर वन के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, उसके बाद मैथ, देन सबसे लास्ट में ईवीएस। और अगर बात करें पेपर टू की, तो उसमें हिंदी आता है, इंग्लिश, सीडीपी एंड सबसे लास्ट में सोशल साइंस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैंने बोला आपको सोशल साइंस, उसके अलावा मैथ एंड साइंस भी आता है। ये आप जो ग्रेजुएशन करते हो ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है। तो मेरा बीकॉम था, तो मुझे जो है आपको सोशल साइंस चूज़ करना पड़ा, यानी कि एसएस। देन फिर मैंने यूट्यूब पे हिमांशी मैम की वीडियो सर्च करी, आई मीन सीडीपी और ईवीएस वाली एंड अदर सब्जेक्ट की भी। सो कल मैंने कुछ पीडीएफ डाउनलोड किया था आपको सीडीपी का और ईवीएस का, देन मैं फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको अच्छे से मैंने सारा कुछ पिनअप वगैरह कर लिया। एंड ये है सीडीपी, इसमें टोटल आपको 42 पेज है। एंड ये जो आप प्रिंट आउट देख रहे हो फिलहाल जो मेरे पास है सीडीपी एंड ईवीएस का, इसे मैंने कल शाम को ही प्रिंट आउट करवा लिया था। एंड कल रात में मैंने कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ वगैरह भी देखा सीडीपी एंड ईवीएस से रिलेटेड, तो मैम का कंटेंट मुझे बहुत ही सॉलिड लगा। एंड कल रात को मैंने सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसे कंप्लीट भी कर लिया है, मतलब हिमांशी मैम की वीडियोज़ को देखकर। सो अगर मैं बात एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड ये आप देख रहे होंगे, मतलब सारा कुछ इसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ है, लेट्स लर्न लिखा भी होगा। अच्छा, मैम के जो चैनल का नाम है वो लेट्स लर्न है। बाकी मुझे कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, तो एग्ज़ाम में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब वन क्वेश्चन के वन मार्क्स होते हैं। एंड इसमें टोटल जो है, जो मेरे पास जो ये प्रिंट आउट है, इसमें टोटल आपको 42 पेज हैं। एंड ये तो आपको सीडीपी था। अब अपन बात करते हैं ईवीएस के बारे में। एंड ईवीएस से भी सेम आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ ईवीएस की, तो ईवीएस इजी है एज़ कम्पेयर टू सीडीपी। एंड ईवीएस के भी मैंने कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे वहीं हिमांशी मैम की वीडियो देखकर। एंड कल रात को जो मैंने ईवीएस पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ईवीएस में आपको मैक्सिमम चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी कंट्री में जो सोयाबीन आया था वो कहाँ से आया है, तो इसका सही आंसर होगा चीन से आया है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ कंटेंट की, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट सॉलिड है, एक नंबर है। बाकी बस एग्ज़ाम से पहले पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक दो बार रिवीजन हो जाए, देन जाके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। अगर मैं बात करूँ टोटल सब्जेक्ट की, तो मुझे हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, ईवीएस एंड सबसे लास्ट में सोशल साइंस, ये मुझे कुल मिला के 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी अगस्त में ही है। एंड अपने को अच्छे से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, देन जाके सारा कुछ मैनेज हो पाएगा। सीडीपी और ईवीएस के अलावा मैंने हिंदी का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वैसे पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है। एंड वहीं हिमांशी मैम की मैंने वीडियो से कंप्लीट करा इसे। एंड उसके बाद इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल, ये भी मैंने आधा कंप्लीट कर लिया फर्स्ट चैप्टर। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में मैथ। तो ये 3 और 2 5, मैंने टोटल आज के 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। एंड एक सबसे लास्ट में बचा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट आपको सोशल साइंस, उसे मैं आज रात को या फिर शाम को कंप्लीट करूँगा। सो मैंने आपको सीडेट के बारे में सारा कुछ बता दिया कि कैसे मुझे वन मंथ के अंदर अंदर सारा कुछ कंप्लीट करना है एंड पेपर देना है। एंड उसके साथ साथ मुझे सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन करनी है, एंड उसका भी एग्ज़ाम मेरा अगस्त में ही है। अब अपना बेस्ट देना है कैसे भी करके। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनका नेक्स्ट मंथ सीडेट का एग्ज़ाम है। अगर आपका नेक्स्ट मंथ पेपर है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करना, एंड मेरे को भी तो मालूम चले कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनका अगले मंथ पेपर है। सो गाइज, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।